दुश्मन मवाजी हो या मुखालिफ, जब अवेश की तकरीर सुनते हैं पार्लियामेंट में दिल बड़ा होता है कि नहीं, दिल सीधा सीधा चौड़ा होता है कि नहीं होता है, गर्दन ऊंची होती है कि नहीं होती है। अगर होती है तो इस वक्त उस ताकत को ताकत देने की जरूरत है। अख्तरुल ईमान सीमांचल का बेटा, आपका भाई, हमेशा से सीमांचल के हक और हिस्से की लड़ाई लड़ता रहा है। मैं बात कहता हूँ, सीमांचल एक कश्ती की तरह, हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस कश्ती के मुसाफिर है, और 72 सालों से ये कश्ती गरीबी निरक्षरता और पिछड़ेपन के काले समंदर में, बेरोजगारी के काले समंदर में, पलायन के दुख भरे हालात में जी रहा है। आइए हम सब मिलकर सीमांचल की कश्ती को इंसाफ और तरक्की के किनारे तक ले जाए। ये काम तनहा मैं नहीं कर सकता, इस काम के लिए आप सभी हिंदू मुस्लिम जवान बूढ़े बच्चों की दुआएं और माँ बहनों सबका साथ चाहिए। हमें उम्मीद ही नहीं, पुख्ता एतमाद है कि आप लोग जरूर इस मामले में मुझे साथ देंगे। मेरा निशान पतंग है, पतंग बुलंदी का निशान है। हमने बहुत पहले से कह रखा है, फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, दूर अदालत की अपने बस्ती में अब हम चलने न देंगे, कमजोर हाथों में हम कयादत को जाने नहीं देंगे। पतंग है तरक्की की अलामत, पतंग को हम बुलंदी पे ले जाते रहेंगे, बुलंदी को पर ले जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, कौन लोग अगुवाई कर रहे थे, कहा परमिशन कार्ड किलो को जाना है? असल भाई किलो से जाना हम लोगों को, कैसे बता रहा हूँ, खाए है खाना तो उधर से भी है, इधर से भी है खाना, उधर से है जिससे परमिशन है। उचित लाल छूट जाए, रमेश लाल छूट जाए, परमिशन जिधर से उधर से मैं जाऊंगा। तो परमिशन में है वो, यहाँ के बाद थोड़ा से निकलना है, धीरे 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 धीरे, घबराना नहीं है भाइयों, सारे लोग अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलना है।